नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 20 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे और इसी के साथ जीके की ये हमारी 31वीं क्लास है। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ये आज के डिस्कशन का पहला क्वेश्चन है। फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फीफा विश्व कप 2022 का खिताब ये जीता है अर्जेंटीना ने, सी ऑप्शन। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल है ब्यूनस एरिस। अर्जेंटीना पीसो ये करेंसी है और प्रेसिडेंट है अल्बर्टो फर्नांडेज, ये आप याद रखेगा। पेरू की बात करें, कैपिटल लीमा है, प्रेसिडेंट है दीना बोलार्ते, ये भी नए प्रेसिडेंट बने हैं पेरू के। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, कैनबेरा इसकी कैपिटल है, प्रधानमंत्री है एंथोनी एल्बनीज। कजाकिस्तान इसकी कैपिटल अस्ताना है और प्रेसिडेंट है कासिम जोमार्थ टोकायेव। तो सी ऑप्शन अर्जेंटीना, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, भारतीय मूल के लियो वराडकर 17 दिसंबर 2022 को दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आयरलैंड, बी ऑप्शन। आयरलैंड सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर है। इसकी कैपिटल डबलिन है, यही लार्जेस्ट सिटी भी है। प्रेसिडेंट है माइचेल डी हिगिन्स। फिलीपींस की बात करें, मनीला कैपिटल है, फिलीपीन पीसो ये करेंसी है और प्रेसिडेंट है बोंग बोंग मार्कोस। मलेशिया देखें, कुआलालंपुर ये कैपिटल है, रिंगित करेंसी है और प्रधानमंत्री है अनवर इब्राहिम। रूस की बात करें तो मॉस्को इसकी कैपिटल है, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तीन। तो बी ऑप्शन आयरलैंड, ये सेकेंड क्वेश्चन का सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, 19 दिसंबर 2022 को किस राज्य के मुक्ति दिवस की 61वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का गोवा, बी ऑप्शन। गोवा थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर है। गोवा की सरकार ने पानी बचाओ योजना इसको भी स्टार्ट किया था। हरियाणा की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना इसको स्टार्ट किया और हरियाणा की सरकार ने ही परिवार पहचान पत्र योजना इसको स्टार्ट किया। राजस्थान की सरकार ने चिरंजीवी योजना इसको स्टार्ट किया और राजस्थान की सरकार टाइगर कॉरिडोर इसको डेवलप करेगी। आसाम की सरकार ने मैत्री योजना इसको स्टार्ट किया और आसाम की सरकार ने अरुणोदय योजना इसको स्टार्ट किया। अब बात गोवा की हुई है तो आप लोकेशन देखें, यह है गोवा की लोकेशन, महाराष्ट्र कर्नाटका दो राज्यों के साथ गोवा की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है और ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। पणजी इसकी कैपिटल है जो मंडोवी रिवर के किनारे स्थित है। दो जिले हैं, लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 40 सीटें हैं। 30 मई 1987 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हैं, पीएस श्रीधरन पिल्लई ये राज्यपाल हैं। बॉम्बे में इसकी हाई कोर्ट है जहां पर महाराष्ट्र गोवा और DNHDD ये क्या है, दादर एंड नागर हवेली दमन एंड दीव, इन तीनों की जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं संजय वी गंगा पुरवाला। लेक की बात करें, रायतोलम लेक, बोंडाव लेक, दोनों लेक गोवा में हैं। सलुईलिम डैम ये भी गोवा में स्थित है। नेशनल पार्क देखें, मोलम नेशनल पार्क, कोटेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आंसी नेशनल पार्क, महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सलीम अली बर्ड सेंचुरी। तो ये तो रही गोवा की बेसिक इन्फॉर्मेशन। फोर्थ क्वेश्चन, लियोनेल मेसी का संबंध किस क्षेत्र से है? इनका संबंध है फुटबॉल से, डी ऑप्शन फुटबॉल फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति IHRC के 63वें सत्र का उद्घाटन 18 दिसंबर 2022 को किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश में, ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑप्शन में क्या है, एग्जाम में शहर भी पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया, ये किया गया उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। तो ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। केरल की बात करें, केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको स्टार्ट किया और हिमाचल प्रदेश से एक पॉइंट आप याद रखेगा, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहली बार मॉन्क फ्रूट की खेती स्टार्ट की गई जिसके बीज चाइना से लाए गए थे। अब बात उत्तर प्रदेश की हुई है तो ये रहा उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी के कमच्छा में बनाया गया। गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में किया गया। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया। भारतीय वायुसेना ने आगरा में संयुक्त अभ्यास समन्वय 2022 का आयोजन किया।
अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का संबंध उत्तर प्रदेश से है। ई पंचायत पुरस्कार 2021 का अवार्ड उत्तर प्रदेश को दिया गया और पूछा जाए ई पंचायत पुरस्कार 2020 का अवार्ड किसको दिया गया, तो ये हिमाचल प्रदेश को दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी पंचायतों में एक पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश की सरकार राज्य में पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की प्रक्रिया में है। अब लोकेशन देखिए आप उत्तर प्रदेश की, यह उत्तर प्रदेश की लोकेशन। नेपाल देश के साथ इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है। और भारत में किन राज्य के साथ बाउंड्री शेयर होती है, उत्तराखंड, दिल्ली जो कि एक यूटी है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। नो के साथ बाउंड्री शेयर होती है। लखनऊ इसकी कैपिटल है। 24 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं। इलाहाबाद में इसकी हाईकोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं राजेश बिंदल। 75 जिले हैं, लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व दोनों उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, इन 7 जिले से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन, 2022 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया, यानी इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, तो ये मनाया गया 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को ही माइनॉरिटी राइट्स डे भी मनाया जाता है और इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे भी मनाया जाता है। 14 दिसंबर 2022 को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया गया। 10 दिसंबर 2022 को ह्यूमन राइट्स डे यानी मानव अधिकार दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर 2022 को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ये मनाया गया। तो 6th क्वेश्चन का ए ऑप्शन 18 दिसंबर सही आंसर है। 7th क्वेश्चन, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 19 दिसंबर 2022 को किस शहर में सुशासन सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया, तो ये किया कहाँ पर, नई दिल्ली में, बी ऑप्शन नई दिल्ली 7th क्वेश्चन का सही आंसर है। 8th क्वेश्चन, भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का कौन सा वह संस्करण 17 दिसंबर 2022 को संपन्न हुआ, तो ये हुआ 7वां संस्करण यानी बी ऑप्शन 8th क्वेश्चन का सही आंसर है। 9th क्वेश्चन, किसने 17 दिसंबर 2022 को कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की, तो ये की अमित शाह जी ने, तो ए ऑप्शन ये 9th क्वेश्चन का सही आंसर है। 10th क्वेश्चन, गति शक्ति विश्वविद्यालय का पहला कुलाधिपति किसे नियुक्त किया गया, अश्विनी वैष्णव, बी ऑप्शन ये 10th क्वेश्चन का सही आंसर है। अभी जीके की 31वीं क्लास है। पहला क्वेश्चन, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का निजामुद्दीन औलिया। दूसरा क्वेश्चन, मॉस्को किस देश की राजधानी है, मॉस्को रूस की राजधानी है। तीसरा क्वेश्चन, पनशीर घाटी कहाँ स्थित है, तो ये अफगानिस्तान में स्थित है। चौथा क्वेश्चन, डेविस कप किस खेल से संबंधित है, डेविस कप ये लॉन टेनिस से संबंधित है, टेनिस आप कह सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन, लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।